क्या बोलेगी भाई, क्या बोलेगी? बोले चप्पल वगैरह क्यों नहीं पहनी? नंगे पैर? बोले कहाँ जाओगे? दिल्ली। दिल्ली कहाँ? सिंधु बॉर्डर। सिंधु बॉर्डर भाई। बोले नंगे पैर जाओगे वहाँ तक? देखो जहाँ तक पापा ले जाएंगे। पापा तो ले जाएगा, जहाँ तक जाओगे सोचने वाली बात है। कितनी मेहनत लगती है नंगे पाँव चलने में भाई। देख रहे हो आप भाई साहब की भक्ति, इस भोले को देख लो। भगवान इनकी सभी मनोकामना पूरी करे। जय भोले की, हर हर महादेव। हाय गाइस, सभी भाइयों को भोले भोले। तो अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार के लिए, सभी अपने कांवड़ वाले कांवड़िया भाइयों का ब्लॉग शूट करना है। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कांवड़ ला रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे पहुंच के। तो निकल रहा हूँ शादरा, शादरा से भाई को लेना है, वहाँ से फिर निकलेंगे सीधा का सीधा हरिद्वार। तो गाइस अभी दीपक भी आ गया, हम दोनों निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। जय बोलेगी, जय बोलेगी भाई। कब तक पहुँचेंगे हरिद्वार भाई? बस 3-4 घंटे लगभग, 4-5 घंटे का रास्ता है। स्कूटी से लेकिन हम आराम से जाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन जाएंगे आराम से। हाँ क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी मिलेगा, भोले मिलेंगे तो आराम से जाना है हरिद्वार तक। फिर हरिद्वार में स्नान करके कल घूमेंगे, ऋषिकेश जाएंगे। चाय चल रही है, थक गया, नींद आ रही है बहुत जोर की। भाइयों के पास पहुंचने में भी थोड़ा सा टाइम है, 47 किलोमीटर और दिखा रहे हैं। एक घंटे का रास्ता एक घंटे का रास्ता उसके बाद आगे चलेंगे। नींद आ रही है जोर की, कुल्लड़ वाली चाय पी के हम नींद भगा रहे हैं भाई। कुल्लड़ वाली चाय तो बहुत अच्छी बात है, भोले का नाम लेते रहो और उठाते रहो। और छोटे बोले तुम्हारा क्या है, तुम कौन सा बोले गए हो, कांवड़ लेके आयो? सब नेक्स्ट है। सही है, अच्छा। कोई रथ की कौन खींच रहा है रथ को? सभी मिलने खींच रहे हैं, कभी रथ खींचता है, कभी कलश खींचते हैं। भाइयों ये जो आप देख रहे हैं, जय बोले की भाई। भैया कितना जल है इसके अंदर? 80 लीटर 80 लीटर जल है। तो कहाँ से आ रहे हो भैया आप? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हो? अब यहाँ से दिल्ली जाओगे इसको लेके? तो बोले आप देख रहे हो हर की पौड़ी पे कितना रश है, कितनी भीड़ है, ये देख लो आप, फुल है फुल। जय बोले की भाई। भैया कितना चले इसके अंदर? 80 लीटर जल है। तो कहाँ से आ रहे हो भैया आप? दिल्ली से आ रहे हो? अब यहाँ से दिल्ली जाओगे इसको लेके? पूरा 80 लीटर है इसके अंदर, यानी एक कलश में 20 लीटर है। 20-25 का ऊपर वाला, अच्छा नीचे वाला कलश है 25 का, ऊपर वाला 15 का है। अच्छा ऊपर वाला 15 का कलश है। ये भैया दिल्ली लेके जाएंगे इस कलश को। तो कितने लोग भैया आप ले जाने के लिए? 2-3 जने ही है। 2-3 जने ही है, दिल्ली ले जाओगे उसको? बहुत बड़ी बात है यार। और कितना टाइम लगेगा उसको ले जाने में? ज्यादा नहीं, पहुंच जाएंगे जल्द से पहले यार। बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? सागरपुर रहते हो? जनकपुरी की तरफ? काली माता मंदिर के पास रहते हैं भाई। देख लो गाइस इतनी दूरी है भैया, एक कलश लेके जाएंगे, 40 लीटर जल है पूरा। भक्ति देख लो भोले की, 40 और प्लस वो 40-80 टोटल। भक्ति देखो, अब देखो उठाएंगे भैया हमारे सामने। किस तरह उठाते वो भी देख लीजिए। ये होती है भक्ति भोले की, देख लो। भोले जल देख रहे हो ये आप? भोले ये वाला जल किसका है? किनका? उधर तो भाई कितना लीटर है भोले? 101 लीटर। तो कितने लोग उठाने वाले हैं इसको? सिर्फ एक इंसान उठाएगा? 101 लीटर जल देख लो आप भोले, पूरा 101 लीटर जल है। ये भाई उठाने वाले? जय बोले की,
बोले आपका 101 लीटर जल पूरा आप ही उठाओगे अकेले? हाँ जी। किसी की मदद वगैरह दो लोग तो नहीं उठाएंगे? बोले कहाँ से आयो? कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। अच्छा कितने किलोमीटर है यहाँ से? 120 किलोमीटर। आप अकेले लेके जाओगे जल? बहुत हिम्मत है। बोले ये भाई मुजफ्फरनगर 101 लीटर जल लेके जा रहे हैं। यहाँ तक मैंने देखा बोले इतना लीटर तो अभी तक मेरे ख्याल से किसी ने उठाया नहीं है। आप ही का जल दिखाए मुझे इतना। बोले कब तक पहुँचना मुजफ्फरनगर? कल तक का टाइम है तो जल तो 24 को चढ़ेगा, 24-25 को, तो उससे पहले ही चले आओगे? अच्छा अच्छा, अभी यहाँ कब तक रुकोगे बोले? अच्छा अच्छा, ये देख लो भाई। बोले कितनी कांवड़ है? ये टोटल 7 कांवड़ है और ये भाई हैं जो कांवड़ लेना है। बोले भाव देख लो, भाव कितना ज्यादा है। सीढ़ियाँ 3-4 ही हैं बस जो दिख रही हैं, बाकी पूरा बंद हो रखा है, पैकअप हो रखा। बोले देखो जय बोले की। बोले कहाँ से आयो? फरीदाबाद से। बोले ये हमारे बोले फरीदाबाद से आए हैं। फरीदाबाद में कहाँ से बोले? बसंतपुर। कहाँ से? बसंतपुर। बसंतपुर से आए हैं। कब तक पहुँचने का रहता है बोले? कल। कल तक पहुँच जाओगे बोले? हाँ। जल थोड़ी चलेगा बोले? कल दिल्ली कल पहुँच जाएंगे। 24 को? 24-25। अच्छा अच्छा ठीक है बोले। ये बोले फरीदाबाद से आए हैं। बोले जो चाहेंगे वो होगा। और बोले चल रहा है अपना। बोले ना बहुत बड़ी बात बोल दी, बोले जो चाहेंगे वो होगा अपना। हाँ भाई बंदे तो ज्यादा बोले जल कम तीन ही वो। अच्छा अच्छा अच्छा, और आ रहे हैं इसके लिए वैसे भी कावड़ लेने गए हैं। जी जी जी। और बाकी हम तीन लड़के चल रहे हैं, तीन लड़के चल लेके रहेंगे। अच्छा अच्छा बोले। दीपक बोले के फोन कर दियो। बोले चाहेंगे क्या नाम उसका कि 25 तारीख तक हम 24 तारीख तक पहुंच जाए घर पे, जल चढ़ा दे। अच्छी बात है उनके नाम से आए तो। बिल्कुल जी बिल्कुल। नीलकंठ बगल घूम के आए, इतनी लाइन थी कि 2 दिन में लाइन नंबर आता। फिर भी बोले भी सब सुन रहे हैं, हमारे दर्शक भी सब सुन रहे हैं। भाई फरीदाबाद से हैं, बोले इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय बोले की। जय बोले शंकर भगवान की। जय बोल शंकर भगवान की। जय बोल जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। तो मेरे कहने बोले जो मेरे साथ बोला है, इसका कहना है कि मेरी वीडियो नहीं बना रहा, सबकी वीडियो बना रहा है। मैंने ले बोले तू भी अपनी वीडियो ले। भाई मुझे चलानी नहीं आती गाड़ी, मैं इसलिए चला रहा हूं। इसको स्कूटी ठीक तरह चलानी नहीं आती, ये गाड़ी चलाता है तो आज बोला चला रहा है बस। भाई के लिए चलानी पड़ रही है, भाई कह रहा थक गया हूँ थोड़ा, इसलिए चलानी पड़ रही है। बोले का नाम लेके चला रहे हैं हम भी, जैसे हमारे बोले कांवड़ चला रहे हैं, कलश चला रहे हैं 20-25 लीटर का। हमने भी डाल ली भोले बाबा से, बोले हम भी स्कूटी चला लेते हैं। क्या बोले कि अपने घर की सारी सुविधा छोड़ के बोले देख लो, बोले की भक्ति में आए यहाँ पर, ये रोड पे सो रहे हैं, पन्नी बिछा के, कंबल बिछा के, चादर बिछा के। कल रात मैं भी ऐसे सोया था बोले, इतनी अच्छी नींद आई थी पता ही नहीं चला कब सो गया। बड़ी सुंदर कांवर लग रही है, लाइटिंग वाइटिंग बड़ी सुंदर लग रही है। कावड़ियों के लिए टोल लग रहा है, गाड़ियों के लिए कोई टोल नहीं लग रहा, कावड़ी गाड़ी चलो बहुत अच्छी बात है। बैठो फोन से लग रहा है।
हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। माइक तो तेरा भाई, बोल शंकर भगवान की जय। तो गाइस हमारा पेट्रोल खत्म हो रहा है, स्कूटी और पेट्रोल आसपास है नहीं, देखते कहाँ मिलेगा। ये सुंदर सुंदर लोगों ने कावड़ बनाई हुई है, देख लो। बोला स्कूटी चला रहा है, इसको आती नहीं चलानी, घर वाले खुश हो जाएंगे, बेटे ने कुछ तो करा जीवन में। ये बोलो की कावड़ है, बोले तुम्हारी कावड़ है, कहाँ से आए, बोले पानीपत से आयो, और कहाँ तक जाना है। अभी तो पानीपत में ही जाना है, पानीपत से कहाँ से होके जाओगे पानीपत, हम जाएंगे मुजफ्फरनगर होके जाओगे ना। हाँ ठीक है, बोले कितने लोग आए, बोले चार लोग, बोले आठ लोग, बाकी कहाँ है, बाकी दो लोग। अच्छा अच्छा ठीक है, बोले बड़े लेंगे, बोले बड़े फ्रेंड्स, बिल्कुल बोले बिल्कुल। विनय कश्यप ब्लॉग्स, ये भाइयों की मेहनत देख लो, ये भाई दिल्ली से आए हैं, बोले कब तक पहुंच जाएंगे दिल्ली, बोले 25 तक, 25-26 तक पहुंच जाएंगे, जल 26 का है बोले। चलो बहुत अच्छी बात है, ये लो भाई सब सबकी वीडियो आनी चाहिए, बोले और कांवड़ की पीछे से वीडियो लेने, बोले भाइयों की मेहनत है, कितनी मेहनत है, कावड़ लेके आए हैं। ये बोले कि कावड़ है, कितनी सुंदर कावड़ बनाई हुई है, साथ में तिरंगा भी लगा हुआ है। बोले तुम्हारी कावड़ है, कहाँ से आए, बोले।